Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 10, Practical Geometry. In this chapter, we will learn about construction of a line parallel to a given line from a point outside it, and construction of simple triangles like given three sides, given a side and two angles on edge, given two sides and the angle between them, a right angle triangle. ये सब हम कैसे construct करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन. अगर हमें एक लाइन दी हो और उस लाइन के बाहर एक पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट के थ्रू हम कैसे एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो सबसे पहले हम सीखेंगे. लास्ट ईयर यू हैव लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल कॉन्ग्रुएंट to a given angle using compasses and ruler. Last year आपने क्लास में कंपास और रूलर की हेल्प से कैसे एक एंगल दिया हो और सेम उसका congruent angle construct करना हो सीखा था. This construction will be useful in the construction of parallel line. वो construction जो है वो यहाँ जो हम parallel line construct करेंगे उसमें काम आएगा. For constructing a line parallel to a given line through a point outside it, we use the fact when two lines are cut by a transversal and if a pair of alternate angles or a pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel. देखो line किसी line एक line दी हो और उस line के बाहर एक point दिया हो तो उससे अगर हमें उस point पर एक parallel line construct करनी है तो उसके लिए हमने चैप्टर पढ़ा था ना ट्रांसवर्सल वाला कि जिसे दो पैरेलल लाइन है उस पर एक तीसरा ट्रांसवर्सल जा रहा है तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं या अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. इट मीन्स लाइन जो है वो पैरेलल है. वो फैक्ट यहाँ पे काम आता है. सी वी यूज द फैक्ट. वो फैक्ट हम यहाँ यूज करते हैं कि वैन टू लाइन्स आर कट बाई अ ट्रांसवर्सल. जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये दो लाइन है ठीक है और उस दो लाइन में एक ये ट्रांसवर्सल है तो अब जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ये और ये और अल्टरनेट एंगल हो गए ये और ये अगर वो इक्वल है देन द टू लाइंस आर पैरेलल. इसका मतलब ये दो लाइन जो है वो क्या है पैरेलल्स है ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ अ लाइन से ए बी. Take a point C outside it through C. Draw a line parallel to AB using ruler and compasses only. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक लाइन है. ये लाइन दी हुई है. इस लाइन को हमने AB नाम दिया. इस लाइन के बाहर एक पॉइंट है C. This is given in the question. अब through C, इस C से हमें इस लाइन ए बी के एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है. वो कैसे करेंगे वो देखेंगे. फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन ए बी. एक लाइन ड्रॉ करो और उस पर टू पॉइंट्स लो जिसका नाम दे दो ए बी. इस लाइन को हमने नाम दे दिया एल. एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट. अब इस लाइन के बाहर एक पॉइंट लेना है सी. ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप. टेक अ पॉइंट डी. एक पॉइंट ले लो डी ऑन लाइन ए बी. लाइन ए बी पर और उस पॉइंट को इस पॉइंट सी से ज्वाइन कर दो. ठीक है ये हमने ज्वाइन कर दिया. नाउ विथ सेंटर डी. अब डी को सेंटर मान के इस डी को सेंटर मान के कंपास पे कोई भी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करो. डी को सेंटर मान के एक हमने आर्क ड्रॉ की जो लाइक दिस. जो डी बी को काटा एक्स पॉइंट पर और सी डी को काटा वाई पॉइंट पर. ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप विथ सेंटर सी. अब इस सी को सेंटर मान के सेम रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो सी डी को कहां पे कट करेगी पी पॉइंट पे कट करेगी. ओके वही जो रेडियस हमने यहाँ डी को सेंटर मान के जो हमने आर्क ड्रॉ की थी सेम रेडियस लेके सी को सेंटर मान के हमने एक आर्क ड्रॉ की जिसने कि सी डी को कहाँ पे कट किया पॉइंट पी पर. इस हमने पॉइंट का नाम दे दिया पी. नाउ विथ सेंटर पी एंड रेडियस एक्स वाई.
रेडियस एक्स वाई मतलब इस एक्स से लेके वाई तक का रेडियस मेजर करेंगे लाइक दिस. सी यहाँ एक्स और वाई का जो पॉइंट है ना, ये रेडियस लेके अब पी को सेंटर मान के, ये पी हमारा यहाँ पे कट किया था सीडी को, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो हम प्रीवियस आर्क को कट करेगी एक पॉइंट पर, उसका नाम दे देंगे हम क्यू. अब इस जो ये इंटरसेक्शन सेक्शन है जहां पर ये दो आर्क कट की हुई है, उस से लेके और ये पॉइंट सी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सी. तो ये लाइन जो बनी वो लाइन कौन सी बनी, ए बी की पैरेलल, इसको हमने नाम दे दिया एम. तो यही क्वेश्चन था हमारा कि ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी, इस सी से ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो जो ए बी के पैरेलल हो, यूजिंग रूलर और कंपासेस ओनली, खाली स्केल और कंपास को यूज करके हमको ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी. समझ में आ गया, लाइन ड्रॉ की, लाइन के बाहर एक पॉइंट ले लिया सी, फिर हमने क्या किया, ए बी पर एक पॉइंट लिया डी और सी डी को ज्वाइन किया, फिर डी को सेंटर मान के एक कोई भी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ किया जिसने कि डी बी को कट किया एक्स पर और सी डी को कट किया वाई पर. सेम रेडियस लेके सी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ की जिसने सी डी को कट किया पी पर. फिर नेक्स्ट स्टेप, एक्स वाई का रेडियस लेके, मतलब एक्स से लेके वाई तक का डिस्टेंस मेजर करके वो रेडियस लेके पी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ की जिसने कि पॉइंट क्यू पर कट किया प्रीवियस आर्क को. फिर इस क्यू सी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम दे दिया हमने एम. इट मीन्स दिस लाइन एम इज पैरेलल टू दिस लाइन एल. क्वेश्चन नंबर टू, ड्रॉ अ लाइन जेड, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एल एट आई एट एनी पॉइंट ऑन आई, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल. हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ की है करनी है, ठीक है, उसका नाम दे देना है एल. अब यहां पर एक पॉइंट लेना है जेड, आपकी बुक में वाई दिया हुआ है शायद, तो आप वाई लेना है ना, वाई पॉइंट लेना है और उस वाई से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है फोर्स, है ना. तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं वो मैंने अभी बताऊंगी. परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल से जो इस पर एक लाइन ड्रॉ करे दिस इज परपेंडिकुलर. अब यहां से 4 सेंटीमीटर एक लेकर हमें एक पॉइंट बनाना है, उससे हमें इसकी पैरेलल, इस लाइन एल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है. उसको कैसे करना है देखो, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन एंड टेक अ पॉइंट वाई ऑन इट. सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की और उस पर एक पॉइंट ले लिया y. And what is given in the question? कि draw a perpendicular to L at any point on L. अब इस लाइन L के एक perpendicular draw करना है इस point से लेकर. Perpendicular मतलब 90 degree angle बनाते हुए एक line draw करनी है. मैंने आपको पहले भी सिखाया perpendicular कैसे draw करते हैं. Y को center मान के पहले हम क्या करेंगे, एक arc draw कर देंगे. ओके, नाउ अब थोड़ा सा रेडियस बड़ा लेके जहां पे इस लाइन को कट किया है वहां से एक रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इस वाले सेंटर से दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे. जहां पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही है उसको इस पॉइंट जहां से हमने सेंटर लिया था उसको ज्वाइन कर देंगे. तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन पर, ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर लाइन. ओके, अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि टेक अ पॉइंट एक्स, चूज अ पॉइंट एक्स ऑन दिस परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, मतलब एल से 4 सेंटीमीटर अवे. तो 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे हम यहां, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका नाम दे दिया उन्होंने एक्स. अब इस एक्स पॉइंट से
थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। अब इस एक्स से हमें एक लाइन एम ड्रॉ करनी है जो इस लाइन एल के पैरेलल हो। तो अब क्या करेंगे, ऑन द परपेंडिकुलर लाइन मार्क अ पॉइंट एक्स, हमने एक्स पॉइंट सच दैट लाइन वाई एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक का। तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब हमें इस पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स वाई के परपेंडिकुलर, देखो इस लाइन एल का परपेंडिकुलर ऐसे बना और इस एक्स वाई का परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इट मीन्स हम क्या करेंगे, पेज को थोड़ा सा ऐसा वो करेंगे टर्न और एक्स को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये इस लाइन को एक्स वाई लाइन को जो दो पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। अब जहां पे कट किया थोड़ा सा इसका रेडियस बड़ा किया और जहां पे कट किया था वहां से सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे और दूसरे जहां पे कट किया था लाइन को उसको सेंटर मानते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी, ठीक है। अब इस सेंटर से लेके जहां पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट की है उनको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई इस एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर। अब इसका नाम दे देंगे हम लाइन एम। तो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। क्या क्वेश्चन दिया था, एक लाइन ड्रॉ करनी थी, उस लाइन पे मैंने एक वाई पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर हमने एल पर एक परपेंडिकुलर खींचा। परपेंडिकुलर खींचना मतलब एक आर्क ड्रॉ करना, फिर जहां पे दोनों आर्क ने उस लाइन को कट किया उन दोनों को सेंटर मान के दो आर्क ड्रॉ की जो जहां पे कट किया वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी हो गई परपेंडिकुलर। अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि लाइन एल से 4 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है एक्स। तो वाई से हमने मेजर किया 4 सेंटीमीटर और इस लाइन पर हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स। अब एक्स को सेंटर मान के हमने क्या किया, एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा। तो जब परपेंडिकुलर हमने खींचा वो एक्चुअली क्या हो गया, पैरेलल हो गया लाइन एल के। लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट ऑन एल। एक लाइन लेनी है एल, एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, उस पर एक पॉइंट लेना है, है ना, एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल, मतलब एक पॉइंट लिया है पी जो लाइन एल पर नहीं है। थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू पी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे इस पॉइंट की हेल्प से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एल के। नाउ जॉइन पी एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। अब यहां पे एक पॉइंट लेना है क्यू और इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, पी को क्यू के साथ ज्वाइन करना है। चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। लेट दिस मीट एल एट एस, व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस एनक्लोज। मतलब एक एल लाइन ड्रॉ करनी है, बाहर एक पॉइंट पी लेना है, उस पी की हेल्प से एल के एक पैरेलल खींचना है, एम लाइन ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर उसके बाद एम लाइन पर एक पॉइंट लेना है क्यू और उस क्यू से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू के। अब जो उसके बाद शेप बनेगी उसका नाम बताना है। सी इसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ड्रॉ अ लाइन एल एंड मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। एक लाइन ड्रॉ की एल और उसके बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया पी। टेक अ पॉइंट क्यू ऑन लाइन एल। अब लाइन एल पर हमने एक पॉइंट ले लिया Q. Now join PQ. अब हमने क्या किया, PQ को join किया, okay? अब हमने क्या किया, Q को center मान के एक कोई भी radius लेके, convenient radius लेके इस Q से मैंने एक arc draw की, okay? एक arc draw की like this. इसी तरह P को center मान के जैसे हमने first question में किया था एक आर्क ड्रॉ की लाइक दिस, ठीक है। अब इसका अब हमने क्या किया, ये जो रेडियस है जिसने क्यू एल लाइन पर जहां पे कट किया है और पी क्यू लाइन पर जहां पे कट किया है वहां से वहां तक का एक डिस्टेंस, एक रेडियस ले लेंगे इन दोनों का,
ये देखो ये दोनों रेडियस यहां से लेके यहां तक का रेडियस मैंने मेजर किया। अब उस रेडियस को लेके अब यहां पे जो आर्क ने कट किया था पी क्यू पर उसको सेंटर मान के ये आर्क ड्रॉ की, तो ये आर्क ड्रॉ की, तो ये एक पॉइंट पे कट किया। अब उस पॉइंट को और इस पॉइंट पी को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये बन गई एम पैरेलल लाइन। ऐसी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने। अब उसमें क्या है, थ्रू आर, अब वहां पे हमने क्या लेना है, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई एम, इसको हमने नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। अब इस एम लाइन पर एक पॉइंट चूज करना है हमें आर। अब थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, अब इस आर से इस पी क्यू लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जो हमने ये आर्क ड्रॉ की थी वही आर्क का पहले एक मेजरमेंट ले लेंगे, सेम ये देखो ये ले लिया। अब आर्क को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे एंगल जो है इक्वल होने चाहिए तभी पैरेलल लाइन ठीक बनेगी ना। अब हमने क्या किया था, दूसरी आर्क ड्रॉ करने के लिए एक्स वाई का मेजरमेंट लिया था, ये जो दोनों पॉइंट का रेडियस लिया था, ये दोनों रेडियस लेके अब जो है इसको सेंटर मान के जहां पे आर्क ने कट किया था यहां पे ऐसे आर्क कट करेंगे ऐसे। अब ये जो दोनों आर्क जहां पे कट की और ये जो पॉइंट है इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये देखो लाइन इस तरीके से, तो ये हो गई। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे लाइन को, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे लाइन को। अब इस पॉइंट आर से और जहां पे दोनों आर्क ने कट किया था करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका नाम दे देंगे आर एस। तो देखो आर एस जो है वो लाइन पी क्यू के पैरेलल हो गई। तो समझ में आया क्वेश्चन, क्या किया क्या करना था। पहला तो पार्ट जो था वो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह था कि लाइन एल का एक लाइन एम पैरेलल बनाना था, पॉइंट क्यू दिया हुआ था, तो मैंने पॉइंट क्यू से क्या किया पी और क्यू को ज्वाइन किया और एक कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ किया जिसने एल लाइन को यहां पे कट किया और पी क्यू को यहां पे कट किया और सेम पी को सेंटर मार के एक यहां पे आर्क ड्रॉ कर दी थी। अब मैंने इन दोनों पॉइंट का रेडियस लेके जहां पे आर्क ने इस लाइन को कट किया था पी क्यू को वहां से एक आर्क ड्रॉ की जिसने एक पॉइंट पे कट किया, उस पॉइंट को पी से मिला के ज्वाइन कर दिया, तो बन गई लाइन एम जो कि पैरेलल हो गई एल की। अब इसमें दिया था कि एम लाइन पर एक और पॉइंट लो आर और उस आर से इस पी क्यू लाइन के पैरेलल ड्रॉ करो। तो अब पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, आर को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ की सेम जो हमने क्यू से की थी जो हमने पी से की थी वही सेम रेडियस लेके यहां पे एक आर्क ड्रॉ की। अब हमने जो ये दो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट थे उनसे जो हमने रेडियस लिया था जो मैंने यहां पे ये आर्क कट की थी यहां से ऐसे कट की थी है ना, उसी को लेकर फिर जहां पे इस आर्क ने इस लाइन एम को कट किया था वहां से वो एक आर्क ड्रॉ की, तो दोनों आर्क ने जहां पे कट किया उसको पॉइंट आर से नीचे लाइन एल तक ज्वाइन कर दिया, तो और वहां पे जो जिस ज्वाइन हुआ वहां पे हमने नाम दे दिया एस। तो ये आर एस जो है वो लाइन पी क्यू के पैरेलल हो गई, यही क्वेश्चन था। Now a quadrilateral RPQS is formed in which RP is parallel to SQ since line M is parallel to line L and RS is parallel to PQ. Therefore, quadrilateral RPQS is a parallelogram. Now next is construction of triangles. Before we learn the construction of triangles, it is important to revise the following properties of triangles. आपका पूरा एक चैप्टर था आगे properties of triangles है ना, उस पर क्या क्या जो रूल्स थे वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। The exterior angle of a triangle is equal in measure to the sum of interior opposite angles. बताया था ना exterior angle क्या होता है, जैसे कोई एक triangle है
उस ट्राइंगल के ये बाहर वाला, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो उसके अपोजिट इंटीरियर जो दो एंगल होते हैं उसके सम के इक्वल होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, द टोटल मेजर ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल हो उस ट्राइंगल के तीन एंगल होंगे, तो उन तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। कोई भी ट्राइंगल अगर बनेगा वो कब बनेगा, जब हम दो ट्राइंगल की दो लाइन सेगमेंट को ऐड करें तो उनका जो सम है वो ऑलवेज थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है, देखो सी दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता है एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इसमें जो हाइपोटेनियस की लेंथ है वो इक्वल होगी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड, ये जो दो साइड बची ये साइड और ये साइड उसके स्क्वायर सम के स्क्वायर के इक्वल होती है, इस हाइपोटेनियस की स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी थी। ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मेजर्स आर गिवन। हम किसी भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब हमें ये जो मेजरमेंट है वो दिए हों, जैसे थ्री साइड्स दी हों तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, अगर दो साइड दी हों और उनके बीच का एंगल दिया हो तो हम एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टू एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम, दो एंगल दिए हो और उनके बीच की साइड दी हो तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द हाइपोटेनियस एंड द लेग इन द केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई राइट एंगल ट्राइंगल के केस में अगर हाइपोटेनियस दी हो और एक साइड दी हो तो हम राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना आगे चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब इस पे क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हुई है और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट, हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एक्स वाई जेड जिसमें तीनों लाइन सेगमेंट का लेंथ हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम करेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जेड 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, यहां से लेके वेयर इज 5, दिस लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसका नाम दे दिया हमने वाई जेड। ओके, नाउ विथ सेंटर वाई, अब इस पॉइंट को सेंटर मान के वाई को, एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर हमारा स्केल रखेंगे, 4.5 मेजर करेंगे। सी दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। अब वाई को सेंटर मान के 4.5 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया कंपास पे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्या किया, 5 सेंटीमीटर के पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली वाई जेड, हमें इनका लेंथ जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर वाई को सेंटर मान के 4.5 सेंटीमीटर रेडियस हमने इसमें लिया और वाई को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ कर दी। नाउ अब विथ सेंटर जेड, जेड को सेंटर मान के और थर्ड लाइन सेगमेंट हमें कहते हैं 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। देखो वेर इज 6, दिस इज 6, 6 सेंटीमीटर का आप रेडियस लेंगे कंपास में, देखो यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर। अब Z को सेंटर मान के और आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों आर्क जो है एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां से क्या करेंगे, ज्वाइन, इसको हम नाम दे देंगे X, जहां पे दोनों ने कट किया आर्क ने वहां पे हमने उस पॉइंट का नाम दे दिया X, और उस पॉइंट से लेके Y को, XY को ज्वाइन कर देंगे
एक्स वाई को ज्वाइन कर देंगे और एक्स से फिर जेड को ज्वाइन कर देंगे। सी, तो दिस इज ट्राइंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट हो गया। यही हमें कंस्ट्रक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर टू, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5। मतलब क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो और लेंथ कितनी दी हुई है उसकी 5.5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी कि तीनों साइड इक्वल होती है। तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। स्केल लिया, स्केल से मेजर करते हुए 5.5 की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, इसका नाम दे दिया मैंने क्यू आर, और ये कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड स्टेप विथ सेंटर क्यू। अब क्यू को सेंटर मान के एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अब 5.5 मेजर करेंगे स्केल पे, देखो स्केल रखा, वेयर इज 5.5, ये तो 5.5 हम मेजर करेंगे स्केल पर। सी हो गया 5.5। अब क्यू को सेंटर मान के आर्क ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ड्रॉ किया। नाउ विथ सेंटर्स आर, अब सेंटर को और आर को सेंटर मान के सेम रेडियस लेके, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी कि तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो विथ सेंटर आर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ एन अनदर आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी। देखो दोनों आर्क ने एक पॉइंट पर कट किया जिसको मैंने नाम दे दिया पी। नाउ ज्वाइन पी क्यू, अब जहां पे दोनों ने आर्क ने कट किया वहां से क्यू को ज्वाइन करो और पी से आर को ज्वाइन करो। आर, सो दिस इज ऑल्सो 5.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5.5 सेंटीमीटर। तो बन गया ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। विच वॉट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, मतलब हमें क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। एक देखो पहले बनाने से पहले एक रफ डायग्राम आप बना लो। ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, लाइन क्यू आर ड्रॉ करनी है ना, उसके बाद पी क्यू, उसके बाद पी आर, इसमें तीनों साइड हमें ट्राइंगल की दी हुई है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, क्यू आर ड्रॉ करना है। चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर विद पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब हमें पी क्यू आर, तो क्यू आर की लेंथ कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और उसका नाम दे दिया क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड स्टेप विद सेंटर क्यू, अब क्यू को सेंटर मान के अब पी क्यू की लेंथ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर। तो हम स्केल पर पहले 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे कंपास में। सी 4 सेंटीमीटर। नाउ विद सेंटर क्यू एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एक आर्क ड्रॉ करो। नाउ विद सेंटर आर, अब उन्होंने पी आर की भी लेंथ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, तो सेम रेडियस रहेगा और आर को सेंटर मान के ड्रॉ आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट पी। हमने एक आर्क ड्रॉ की जो प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे कट कर रही है उसका नाम दे दिया हमने पी। नाउ ज्वाइन पी क्यू, अब पी क्यू को ज्वाइन करो एंड ज्वाइन पी आर, पी आर को ज्वाइन करो। ओके, ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4
सेंटीमीटर. एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस. नाउ ये ट्राइंगल पी क्यू आर बन गया जो बनाना था. नाउ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. इस ट्राइंगल में हमने क्या देखा, पी क्यू की लेंथ इक्वल है पी आर के. तो जब दो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसिलस ट्राइंगल. इट मीन्स ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ आइसोसिलस ट्राइंगल. Now question number 4, construct triangle ABC such that AB is equal to 2.5 centimeter, BC is equal to 6 centimeter and AC is equal to 6.5 centimeter. Measure angle B. अब देखो जो हमें दिया होता है ना उसके साथ पहले एक रफ डायग्राम बना के देख लेने का, क्या ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमें, ए बी सी. ट्राइंगल ए बी सी हमें कंस्ट्रक्ट करना है. इसके लिए सबसे पहले हमें मतलब क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट बी सी. फिर बी से सेंटर मान के ए बी ड्रॉ करेंगे और सी को सेंटर मान के ए सी ड्रॉ करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड जो हमारा ट्राइंगल है वो मिल जाएगा. ठीक है, देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. ट्राइंगल क्या बनाना है, ए बी सी. इट मीन्स ए बी इज 2.5 सेंटीमीटर, बी सी इज 6 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर की हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, 6 सेंटीमीटर. इसका नाम देंगे बी सी 6 सेंटीमीटर. नाउ विथ सेंटर बी. अब ट्राइंगल बनेगा हमारा ए बी सी, तो बी सी की लेंथ कितनी दी थी, 6 सेंटीमीटर. ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 2.5 सेंटीमीटर. तो विथ सेंटर बी एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, पहले हम मेजर करेंगे 2.5 सेंटीमीटर. दिस इज 2.5 सी, दिस इज 2.5. तो विथ सेंटर बी एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल. एक सर्कल का आर्क ड्रॉ करेंगे. ओके, नाउ विद सेंटर सी. अब ए सी की लेंथ कितनी दी हुई है, 6.5 सेंटीमीटर. तो टेक अ रेडियस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इन योर कंपास विद द हेल्प ऑफ रूलर सी. नाउ विद सेंटर सी एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ए. इसको हम नाम दे देंगे ए. नाउ जॉइन ए बी. ए बी को ज्वाइन किया एंड जॉइन ए सी. ए सी को ज्वाइन किया. ओके, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ऑन मेजरिंग एंगल ए बी सी वी फाइंड दैट एंगल बी इज 90 डिग्री. तो इट मीन्स दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में आपको दो एक्सरसाइज एक्सप्लेन की. इसका मैं पीडीएफ भेजूंगी बाद में आपको, तो आपको देख के जैसे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया वैसे कंस्ट्रक्शन सीख के फिर अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है और उनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. बाय एंड टेक केयर.